टेंथ में इलेक्ट्रिसिटी तू लोग पढ़ रहे हो तो पार्ट चार में इलेक्ट्रिसिटी में काम आएगा वर्क, कार्य के बारे में। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को समझोगे, तो ये तुम लोग को बतला दिए थे। और अंतिम में दो हिसाब कार्य पर देख लो। इसके बाद फिर ये टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी का ही है, यहाँ से शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे देखो तू लोग एक बात, कार्य किसके द्वारा होता है? फोर्स के द्वारा। तो फोर्स किसी न किसी पिंड पर ही लगता है या लगाया जाता है ना? अगर ये कोई पिंड न, ये पिंड है तो इस पर हम 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये पिंड बल की दिशा में गतिशील होगी। अगर ये पिंड ही नहीं रहे तो हम लोग कहाँ बल लगाएंगे? तो फोर्स अप्लाई होता है, लगाया जाता है हमेशा किसी न किसी पिंड पर। और तब जिस पिंड पर लगता है जितना फोर्स, उस फोर्स के द्वारा कार्य किया जाता है। लेकिन फोर्स हमेशा अप्लाई होता है यानी लगता है पिंड पर। तो कार्य पर हम लोग दो हिसाब मात्र बना लें। पहला है, यदि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है और वह वस्तु बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य, वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, तो कार्य हो गया W। बल लगा कितना? 5 न्यूटन। विस्थापन कितना हुआ? 2 मीटर। तो अंक को अंक से गुणा करेंगे, 5 × 10 N m यानी न्यूटन मीटर। तो 10 1 न्यूटन मीटर 1 जूल, तो 10 न्यूटन मीटर बराबर 10 जूल आंसर हो गया। समझे? चलो इसको उतारो ना। इसके बाद अगला है, प्रॉब्लम है, एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा लगाए गए बल द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करें। तो यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में बात हो रही है। जैसे मान लो ये 15 किलोग्राम का बोझ है, इसको कुली अपने सिर पर उठाता है जमीन से 1.5 मीटर ऊपर। तो जमीन से मान लो ये 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा लगाए गए बल द्वारा यानी कुली जो बल लगाता है उस बल के द्वारा बोझ पर किए गए कार्य की गणना करे। तो यहाँ वस्तु का द्रव्यमान, यानी m दिया हुआ है, m बराबर 15 किलोग्राम उठाता है अपने सर पर, तो कितना विस्थापन होता है नीचे से ठीक ऊपर की ओर? 1.5 मीटर विस्थापन के लिए s का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया 1.5 मीटर। अब बोझ पर किए गए कार्य की गणना करें, तो W बराबर कितना होता है? Fs, यहाँ F का मान नहीं ना है, F पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध उठा रहा है, तो पृथ्वी इसको जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींच रही है इसको क्या कहेंगे? भार। यानी इस पर पृथ्वी जितना बल लगा रही है उस उतना ही बल यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में हमें इसमें फोर्स लगाना होगा। कितना ये फोर्स लगाना होगा? F बराबर mg s। m का मान हो गया 15 किलोग्राम, ये दिया हुआ है 10 m/s² और s दिया हुआ है 1.5 मीटर गुने 1.5 मीटर। ये टोटल कैलकुलेशन करके कितना हो जाएगा?
15, पहले अंक को गुना कर लो, ये है 10, ये है डेढ़, इसके बाद मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, देखो ये मीटर है ऊपर में, समझा, W ये वेट नहीं, ये वर्क है, याद रखना, M होगा ऊपर में, S स्क्वायर नीचे में होगा, फिर ये हो गया मीटर ऊपर में, सॉरी केजी नहीं दिए, केजी किलोग्राम, एम यहाँ दे दो तो जूल हो जाएगा, और एम बटा एस स्क्वायर, तो 15 × 150, या इसको इसको गुना करेंगे तो ये 225 होगा टोटल, 225 किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर हो गया तुमको जूल, इसमें यूनिट पर थोड़ा ध्यान देना है, देखो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ना, अंक को तो गुना किए तो 225 हुआ, ये अंत में हो गया गुने मीटर, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं ना, एम से हो गया मीटर, तो 225 न्यूटन मीटर बराबर 225 जूल, यानी कुल्ली को कितना काम करना पड़ा, कुल्ली के वजन उठाने में कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य, अतः कुल्ली के द्वारा बोझ उठाने में किया गया कार्य बराबर 225 जूल आंसर, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आवेशों के बीच आकर्षण एवं विकर्षण कब होता है, देखो ये एक धातु का कोई पिंड है और ये धातु का कोई दूसरा पिंड है, ये धन आवेश से आवेशित है और ये ऋण आवेश से आवेशित है, तो असमान आवेश में आकर्षण होता है, दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होकर के एक दूसरे से चिपक जाएगा, इसके बाद यानी अर्थ ये है असमान आवेश में आकर्षण होता है और समान आवेश में विकर्षण, यानी अगर दो धातु के गोले को हम धन आवेश से आवेशित कर दे तो ऐसी स्थिति में दोनों को सटा करके रखो, पकड़े रहो, जो ही छोड़ोगे दो दिशा में भागेगा, यहाँ भी रखोगे थोड़ा डिस्टेंस पर, दोनों समान आवेश से आवेशित है तो विकर्षण होगा, मान लो ये ऋण आवेश है, आज दूसरा धातु का गोला भी ऋण आवेश से ही आवेशित है, तो समान आवेश में विकर्षण और समान में आकर्षण होता है, यही इसका आंसर हुआ। चलो लिखो, चित्र बना दिए इसको, तू लोग समझा, तो कुछ समान आवेश है तो विकर्षण, दोनों दो दिशा में भाग रहा है ना, ये भी समान आवेश है तो विकर्षण, दो दिशा में भाग रहा है, ये तुमको असमान है तो असमान में आकर्षण, यानी ये तीर का निशान बतलाता है ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, नीचे वाला तीर का निशान इधर जाएगा ये इधर, यानी आकर्षण, तो इसको समझ गया। अब अगले पार्ट में तुम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, इसको समझना अब आसान हो जाएगा।